श्री विष्णु पुराण 11वां अध्याय। ध्रुव का वन गमन और मरीचि आदि ऋषियों से उनकी भेंट। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रिय व्रत एवं उतानपाद नामक दो महाबलवान और धर्मज्ञ पुत्र बतलाए थे। हे ब्रह्मन, उनमें से उतानपाद की प्रेयसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्वेज, उन राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उनका विशेष प्रेम ना था, उनका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रेयसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उन पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पुत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसीलिए ऐसी अलभ्य उत्तमो उत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है, तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे व्रता ही यह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, विमाता का ऐसा कथन सुनकर वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मैत्रेय, जिसके ओष्ठ कुछ कांप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोध युक्त देखकर माता सुनीति ने उसे गोद में बैठाकर पूछा, क्यों बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला है? श्री पराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र के सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने हिन्न चित और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा। सुनीति बोली, पुत्र, सुरुचि ने ठीक ही कहा है, अवश्य ही तू मंद भाग्य है। हे वत्स, पुण्यवानों से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। पुत्र, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है? इसीलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजा संघ, राजछत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि प्रीति है, और पुण्य ही न होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या अर्थात भरण करने योग्य ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य पुंज संपन्न है, और मेरा पुत्र तो ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि पुत्र, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मग्न रहता है, और यदि सुरुचि के वाक्यों से तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है तो सर्व फलदायक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील पुण्य आत्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितेशी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती हैं। ध्रुव बोला, माताजी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते।
इसीलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य माता सुरुचि ही हैं और मैंने उनके उदर से जन्म भी नहीं लिया है, तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव भी आप देखना। उत्तम, जिसको माता सुरुचि अपने गर्भ में धारण किया है मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ, मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। श्री पराशर जी बोले, माता जी से इस प्रकार कहे ध्रुव उनके महल से निकल पड़ा और फिर नगर से बाहर आकर बाहरी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मर्द चर्म के बिछोनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादना भी पूर्वक उनसे कहा। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप माता सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उतानपाद का पुत्र जाने, मैं आत्मगलानी के कारण आपके निकट आया हूँ। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है, अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता, तुझे कोई चिंता का भी विषय नहीं है, क्योंकि अभी तेरे पिता राजा जीवित हैं और हे बालक, तेरी कोई इष्ट वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती, फिर बता तेरी ग्लानी का क्या कारण है। श्री पराशर जी बोले, तब माता सुरुचि ने उससे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, छात्र तेज कैसा प्रबल है जिससे बालक में भी इतनी अशमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय से नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है यदि तुझे रुचे तो वह हम लोगों से कह दे, और हे अतुल तेजस्वी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ध्रुव ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझे ना तो धन की इच्छा है और ना राज्य की, मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने ना भोगा हो। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से यह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। मारीची बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। अत्रि बोले, जो परा प्रकृति आदि से भी परे है वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं उसी को वह अक्षय पद मिलता है, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्रह स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यय आत्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है उन गोविंद की ही आराधना कर। पुलस्त्य बोले, जो पर ब्रह्म परम धाम और पर स्वरूप है उन हरि की आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेता है। कुलह बोले, हे सुव्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अति उत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ पुरुष यज्ञ और योगेश्वर हैं उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ बोले, हे वत्स, भगवान विष्णु की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकी के उत्तम उत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षि गण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या जपना चाहिए यह बताइए।
उन महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। ऋषिजन बोले, हे राजकुमार, भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण बाहरी विषयों से चित्त को हटावे और उसे एकमात्र उन जगदाधार में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकाग्रचित होकर तन्मय भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुनो। ओम हिरण्य गर्भ पुरुष प्रधान और अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि प्रदान की। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।